बिहार के इस गांव में हिंदू भी रखते हैं मुस्लिम सरनेम, क्या है पूरी सच्चाई जान के रह जाएंगे हैरान। पिछले कई दिनों से बिहार के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा था, लोग एक दूसरे को अपना विरोधी समझ रहे थे। हालांकि मामला अब शांत हो चुका है, यानी कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से दो समुदायों के लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इसी बीच आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां हिंदू भी मुस्लिम के सरनेम लगाते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार में एक ऐसा गाँव है जहाँ हिंदू हो या मुस्लिम सब अपना सरनेम एक ही रखते हैं, वो भी खासकर मुस्लिम सरनेम। इस गाँव का नाम है गिलानी। गिलानी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। वहाँ के लोगों के माने तो यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा के लोगों आज भी निभा रहे हैं। अब तो युवा भी गांव का नाम अपने साथ जुड़ने में गौरव महसूस करते हैं। वहाँ के युवा बताते हैं कि वह अपने गांव और वहाँ की मिट्टी से बेहद प्यार करते हैं। गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई लोग तो ऐसे हैं जो दशकों से दूसरे प्रदेश में रह कर भी इसके बाद भी उन्होंने गाँव का साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने नाम के पीछे मुस्लिम सरनेम लगाते हैं। उनके नाम से ही पता चल जाता है कि वे किस गांव के रहने वाले हैं। गिलानी गांव के लोग अपने गांव के साथ गिलानी जोड़ते हैं। इसी तरह अस्थावा के अस्थानवी, हरगावा के हरगानवी, डुमराव के डुमरानवी, उगवा के उगनावी, चकदीन के चकदीनवी और देसना गाँव के लोग देसनवी सरनेम लगाते हैं। लेकिन इन सब में गिलानी सबसे खास है। क्यों सबसे खास है गिलानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अन्य छह गांवों में सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग इस परंपरा का पालन कर रहे हैं, वहीं गिलानी में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यह परंपरा निभा रहे हैं। गांव के एक बुजुर्ग की माने तो मुगल काल से ही यह परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम के एक अनुयायी हजरत अब्दुल कादिर गिलानी के नाम से गिलानी गाँव का नाम रखा गया। अरबी भाषा में ग अक्षर नहीं होता, इसीलिए लोग उनको गिलानी कहते हैं। इस वजह से गांव का पूरा नाम मोहम्मुद्दीनपुर गिलानी पड़ गया। मौलाना मुजफ्फरपुर गिलानी की किताब मजमीन के अनुसार गिलानी एक जगह का नाम है जहां बड़े पीर के अनुयायी रहा करते थे। वहां से किसी कारणवश कुछ लोग मोहम्मुद्दीनपुर गिलानी आए थे। उन लोगों के सरनेम में भी गिलानी लगा था। यहाँ उन लोगों के प्रभाव और आपसी सौहार्द को देखकर लोग अपने नाम के सरनेम में गांव का नाम लगाने लगे और फिर यही से परंपरा की शुरुआत हो गई। गिलानी गांव में कुल 5,000 लोगों की आबादी है, जहां मुस्लिम समुदाय के अलावा हिंदू धर्म के पासवान, कोयरी, यादव, नाई, रविदास, कहार, कुम्हार, पंडित जाति के लोग भी रहते हैं। दोनों धर्म के लोग अपने अपने नाम के पीछे गिलानी सरनेम लगाते हैं। यहाँ के निवासियों का मानना है कि वो इस बात पर फक्र महसूस करते हैं कि अपने नाम के बाद गिलानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि पहले से थोड़ा बदलाव आया है। बदलाव यह आया है कि पुराने जनरेशन के लोग जाति का टाइटल लगाने के बाद गिलानी शब्द लगाते थे, लेकिन अब यंग जनरेशन के लोग जाति को हटाकर नाम के साथ सीधे गिलानी लगाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि मोहिद्दीनपुर गिलानी सदियों पुराना गांव है। यहां एक नहीं बल्कि अनेकों विद्वान, अदीब, साहित्यकार, कई IAS, इंजीनियर, डॉक्टर हुए हैं।